कल गंगा दशहरा के अवसर पर थाना दादोन क्षेत्र में सब इंस्पेक्टर आशीष द्वारा एक वीरतापूर्ण कार्य किया गया है। ये मेरे साथी खड़े हैं, इनके द्वारा वहाँ पर ड्यूटी पे रहते हुए एक व्यक्ति को डूबते हुए जब इन्होंने देखा तो अपने जान की परवाह किए बिना ये वहाँ नहर में कूद गए और उसकी इन्होंने प्राणों की रक्षा करते हुए उसे नहर के किनारे तक लेकर के आए। इस बात का संज्ञान यहाँ जिला मुख्यालय लेवल पर भी लिया गया एवं प्रदेश पुलिस मुख्यालय पर लिया गया एवं गृह विभाग में भी लिया गया। फलस्वरूप इसके डीजीपी महोदय द्वारा इन्हें कमेंडेशन डिस्ट देने की घोषणा की गई है। वहीं अपर मुख्य सचिव गृह महोदय द्वारा भी इन्हें 50,000 रुपये धनराशि दिए जाने की घोषणा किया गया। जनपद स्तर पर इन्हें मेरे द्वारा 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र आज दिया गया है और इन सभी पुरस्कारों से हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अन्य कार्मिक भी प्रोत्साहित होंगे कि इसी तरह भविष्य में लोगों के प्राणों की रक्षा के लिए और लोगों के हित के लिए अपना पूर्ण योगदान भविष्य में भी देते रहे हैं। सब इंस्पेक्टर आशीष के इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए हम सभी लोग इनकी प्रशंसा करते हैं और अलीगढ़ पुलिस गौरवान्वित महसूस करती है। मैं इनको भविष्य के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अन्य पुलिसकर्मी भी इनसे काफ़ी कुछ सीखेंगे। जय हिंद। तो में सब इंस्पेक्टर आशीष द्वारा एक वीरतापूर्ण कार्य किया गया है। ये मेरे साथी खड़े हैं, इनके द्वारा वहाँ पर ड्यूटी पे रहते हुए एक व्यक्ति को डूबते हुए जब इन्होंने देखा तो अपने जान की परवाह किए बिना ये वहाँ नहर में कूद गए और उसकी इन्होंने प्राणों की रक्षा करते हुए उसे नहर के किनारे तक लेकर के आए। इस बात का संज्ञान यहाँ जिला मुख्यालय लेवल पर भी लिया गया एवं प्रदेश पुलिस मुख्यालय पर लिया गया एवं गृह विभाग में भी लिया गया। फलस्वरूप इसके डीजीपी महोदय द्वारा इन्हें कमेंडेशन डिस्ट देने की घोषणा की गई है। वहीं अपर मुख्य सचिव गृह महोदय द्वारा भी इन्हें 50,000 रुपये धनराशि दिए जाने की घोषणा किया गया। जनपद स्तर पर इन्हें मेरे द्वारा 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र आज दिया गया है और इन सभी पुरस्कारों से हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अन्य कार्मिक भी प्रोत्साहित होंगे कि इसी तरह भविष्य में लोगों के प्राणों की रक्षा के लिए और